तो हाँ गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि एक अच्छा फोटो क्लिक करने के लिए आपको चाहिए होता है एक स्मार्टफोन, और एक स्मार्टफोन के साथ साथ आपको चाहिए होता है थोड़े बहुत स्किल्स, जिससे कि आप फोटो क्लिक कर सकते हो और उस फोटो को एडिट करके अच्छा बना सकते हो। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप जब भी फोटो क्लिक करो तो उस फोटो को हमेशा पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करो। जब आप पोर्ट्रेट मोड पे क्लिक करोगे फोटो तो आपको आउटपुट बहुत अच्छी मिलती है। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप हमेशा फोटो जब भी क्लिक करो तो आप पोर्ट्रेट मोड पे यूज़ करो, क्योंकि जितनी अच्छी फोटो आपको आउटपुट पोर्ट्रेट मोड पे मिलती है ना, उतनी अच्छी आपको नॉर्मल फोटो मोड पे नहीं मिलेगी। तो कोई सा ही फ़ोन हो वो चलेगा, बट आप हमेशा पोर्ट्रेट मोड करो। ये मतलब ज़रूरी है कि आप जिस फोन से शूट कर रहे हो उस फोन में पोर्ट्रेट मोड होना बहुत ज़रूरी है। तो अब तो नॉर्मल जितने भी नॉर्मल फोन से सब में पोर्ट्रेट मोड आती है, तो वो डिपेंड करता है कि स्किल्स पे कि आप किस एंगल से उस फोटो को क्लिक कर रहे हो और कैसे शूट कर रहे हो, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप किसी चीज़ को कैरेक्टर को लंबा दिखाना चाहते हो तो लो एंगल होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो सब चीज़ें एंगल में कभी और किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। आज मैं एडिटिंग के बारे में बात करता हूं। तो आई विल रिकमेंड कि हमेशा पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक करो, क्योंकि आउटपुट बहुत अच्छी मिलती है उस पोर्ट्रेट मोड पर। एंड हाँ, और मैं जो कैसे एडिट करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये फोटो जो मैंने कल क्लिक किया था, आपने अगर इंस्टाग्राम पे नहीं देखा वो फोटो, मैंने पोस्ट कर रखा है ऑलरेडी, मैंने कल ही कर दिया था उसको। एंड आपने अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए इंस्टाग्राम पे और फोटो को देख लीजिए, एंड नहीं फॉलो करते तो फॉलो भी कर लीजिए अगर अकाउंट अच्छा लगे तो, ऐसे कोई फोर्स नहीं है कि कर ही लो। तो बात करते हैं आज टॉप 5 फोटो एडिटिंग एप्लीकेशंस के बारे में, और जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे उनको मिलेगा फ्री में 2 ऐसे एप्लीकेशंस का नाम और ऐसे एप्लीकेशंस जो आप एंड्रॉइड फोन में यूज़ करके उस फोटो अपने फोटो को बेटर बना सकते हो, हाई क्वालिटी का बना सकते हो। तो बस बने रहो इस वीडियो में एंड एंड तक देखो। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर एप्लीकेशन से। तो पहला नंबर एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ, जैसे जैसे मैं यूज़ करता हूँ एप्लीकेशन को, उसी हिसाब से आज इस वीडियो में आपको मैं एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला। तो पहली एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ है स्नैपशीट। स्नैपशीट आप राइट में देख भी रहे हो कि वो कैसे एडिट करता हूँ मैं। तो स्नैपशीट का यूज़ करते हुए, स्नैपशीट में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे आप फोटो को सैचुरेट कर सकते हो, वाइब्रेंस बढ़ा सकते हो एंड उसमें क्वालिटी अच्छा ला सकते हो, शार्प कर सकते हो फोटो को। हाँ, बट स्नैपशीट में जब एडिट करोगे फोटो को तो कहीं ना कहीं इस फोटो पे जो ग्रेन्स रहती है वो रही जाती है, पूरी कंप्लीट ग्रेन खत्म नहीं होती। उस फोटो को थोड़ा सा और HDR करने के लिए और उस पर थोड़ा बहुत सैचुरेशन और ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइटरूम का। सेकेंड एप्लीकेशन जो हम यूज़ करता है, तो फर्स्ट तो स्नैपशीट हो गई और सेकेंड जो मैं यूज़ करता हूँ वो है लाइटरूम। फर्स्ट पहले एडिट करता हूँ स्नैपशीट में फोटो को, उसके बाद उसी फोटो को मैं लाइटरूम में लेके जाता हूँ एडिटेड फोटो को। एंड लाइटरूम में आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, फेस पे टोन ला सकते हो, आपको जैसी भी टोन चाहिए कलर ग्रेडिंग, येलो टोन, ऑरेंज टोन, रेड टोन, सारे टोन्स होती हैं। अगर आप फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट टाइप बनाना चाहते हो तो उसमें आप बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिसका यूज़ कर सकते हो। एंड और स्नैप मतलब लाइटरूम का यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एडिट करने में मेहनत नहीं चाहिए तो आप प्रीसेट लगा सकते हो, एंड प्रीसेट्स आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनका ऐसे गूगल पे आपको मिल जाएंगे प्रीसेट्स, जिसका यूज़ करके आप बहुत अच्छा फोटो को बना सकते हो बिना वन क्लिक में। कॉपी पेस्ट कर दो, काफ़ी अच्छी फोटो हो जाएगी। और अपने तरीके से अपना प्रीसेट बनाना चाहते हो तो मेहनत करना पड़ेगा, लाइटरूम को सीखना पड़ेगा, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ हैं, आप लाइटरूम को सीख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइटरूम बहुत ईजी टू यूज़ है और थोड़ी बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड उसकी चीज़ें लगेंगी देखने के बाद पहली टाइम, बट आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाओगे लाइटरूम को। तो लाइटरूम में देख सकते हो कैसे फोटो एडिट हो जाती है, उसमें कलर ग्रेडिंग, चेहरा वगैरह पे जो लाइटिंग है वगैरह वो सब बेटर हो जाता है एंड आप अच्छा एडिट कर सकते हो लाइटरूम में भी। थर्ड एप्लीकेशन जो मैं यूज़ करता हूँ, पहले स्नैपशीट किया फिर लाइटरूम किया, देन उसी एडिटेड फोटो को पहले स्नैपशीट में उस फोटो को एडिट करो और उसी एडिटेड फोटो को लाइटरूम में लेके जाओ। लाइटरूम में फिर एडिट करने के बाद उस फोटो एडिटेड फोटो को आप थर्ड एप्लीकेशन में लेके जा सकते हो जिसका नाम है रेमिनी। रेमिनी एक पेड एप्लीकेशन है जिसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो दिन में 20 ऐसे फोटोज है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ऐड देखो और मतलब ऐड देखो, ऐड फ्री नहीं है, ऐड देखना पड़ेगा आपको। ऐड देख के आप 20 फोटोज एक दिन में एडिट कर सकते हो। तो उसमें एडिट नहीं होती, बस फोटो को आप देख सकते हो। जैसे आप फोटो को रेमिनी यूज़ करोगे उस पर आप मतलब आफ्टर बिफोर होता है, तो जैसे ही आप फोटो को रेमिनी करोगे तो उस पर आपकी जो ग्रेन्स होगी सारे के सारे कंप्लीट हट जाएगी, आपको केवल फेस रिकमेंड बेहतर तरीके से हो जाएगा और फेस काफ़ी HD हो जाएगा, जिसके बाद आपको फोटो को जूम करेगा कोई भी कहीं भी, अगर आप उस फोटो को पोस्ट करो तो आपको बेटर क्वालिटी में दिखेगी। उसके बाद रेमिनी करने के बाद आपको नेक्स्ट जो एप्लीकेशन का यूज़ करना है जो मैं करता हूँ वो है ऑटोडेस्क स्केचबुक। जो फोर्थ एप्लीकेशन मैं यूज़ करता हूँ है ऑटोडेस्क स्केचबुक। ये ऑटोडेस्क स्केचबुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप हेयर लगा सकते हो, हेयर को एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड एडिट कर सकते हो। हाँ, बट
ऐसे दो एप्लीकेशंस जो मतलब बताने वाला हूँ बताऊंगा मैं आपको। और रेमिनी मतलब ऑटो स्केचबुक में होता है कि आप फोटो को स्मूथ बना सकते हो, जैसे कि आपने फोटो को रेमिनी करा देख सकते हो, रेमिनी करने के बाद आप फोटो को स्मूथ करना है अगर आपको, तो आपको एक ब्रश यूज करते हैं स्मूथ ब्रश होता है जो आपको 13 या 14 रॉ में मिल जाएगा आपको सेकेंड ब्रश, उसका यूज़ करके आप फोटो को बहुत अच्छा तरीके से स्मूथ कर सकते हो फोटो के चेहरे को एंड बॉडी पार्ट जितने भी होती है सबको स्मूथ कर सकते हो। और उसके बाद जब फोटो को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फोटो बहुत अच्छी हो चुकी है और अच्छी क्वालिटी हो जाती है। एंड इसके बाद ये तो हो गई चार ऐसे एप्लीकेशन जिसका मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, अगर आपको ओवर एडिट करनी है फोटो को, अगर आप फोटो को ओवर एडिटेड बनाना चाहते हो एंड नेचुरल फोटोग्राफी करते हो, नेचुरल फोटो को एडिट करना चाहते हो, तो आप एक और एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, उसका नाम है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट में नॉर्मल ऐसे होते हैं जो आप फोटो को ओवर एडिट करना चाहो तो कर सकते हो, पिक्सआर्ट बहुत बड़ी एप्लीकेशन नहीं है, उसमें भी पेड है बट क्रैक वर्जन मिलते हैं गूगल पे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पेड ही करके करो, क्रैक वर्जन भी मिलते हैं कर सकते हो आप। एंड हाँ, जो और एक एप्लीकेशन है और वो है बैकग्राउंड एडिटिंग की एप्लीकेशन, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि उसका यूज़ मैं नहीं करता बट करता हूँ कभी कभी, अगर कोई मुझे थंबनेल बनाना हो तो इसका यूज़ करता हूँ मैं। तो एक और एप्लीकेशन वो तो पेड है, उसमें वाटर मार्क आएगी, तो वाटर मार्क को आप हटा सकते हो, मैं जुगाड़ बताया था पहले आपको, मैं फोटो लैब दिखा देता हूँ कैसे होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये फोटो क्लिक किया और फोटो को मैं फोटो लैब में लेके जाता हूँ और फोटो लैब में वो वन क्लिक में आप पूरी बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही फोटो लैब में आप वन क्लिक करोगे फोटो ऑटोमेटिकली रिफाइनिंग हो जाएगी और आपको पूरी बैकग्राउंड इरेज करके मिल जाएगी और बहुत सारे ओवरले के साथ मिलेगी, तो आपको ट्रांसपेरेंट वाली चाहिए तो वो, वरना आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं ऐसी बैकग्राउंड है जिससे आप फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक और चीज़ वो आप देख सकते हो फोटो लैब में वाटर मार्क आ चुकी है, इसको अगर हटाना हो तो हम कैसे हटाएंगे, वाटर मार्क हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, उस फोटो को आप स्नैपशीट में खोलो और स्नैपशीट में एक हीलिंग नाम का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हो ये रहा स्नैपशीट और स्नैपशीट में आपको ये हीलिंग नाम का ऑप्शन मिल रहा हो, हीलिंग नाम के ऑप्शन पे जाओ और उस फोटो लैब जो लिखा हुआ वाटर मार्क उस पर एक बार चला दो और छोड़ दो, बाकी सब कुछ क्लीन हो जाएगा उस फोटो से एंड आपकी फोटो बहुत अच्छी मिल जाएगी बिना वाटर मार्क की। जुगाड़ है इंडिया में, बहुत सारे जुगाड़े मिलती है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये एप्लीकेशंस थी फोटो लैब फ्री में कर सकते हो यूज़, और ये कोई बताता नहीं जल्दी बट मैं बता दिया, और रेमिनी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो एक्स्ट्रा आपको बता दिया आज के इस वीडियो में। तो फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, मैं इन्हीं एप्लीकेशन का यूज़ करके अपनी फोटो को उतना बेटर बनाता हूँ और उतना अच्छा बनाता हूँ जो ऐसे कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कमेंट किया, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो, लाइव में भी पूछा था आप लोगों ने कि मैं कैसे एडिट करता हूँ, तो इन्हीं एप्लीकेशन का यूज़ करके मैं फोटो को एडिट करता हूँ अपना। एंड आप भी कर सकते हो, आप भी बेटर फोटो एडिट कर सकते हो और फोटोग्राफर बन सकते हो, बस आपको थोड़ी बहुत स्किल्स की ज़रूरत होती है क्योंकि जितना अच्छा स्किल्स आपके पास रहेगा एंड इस चैनल पर आपको वीडियोग्राफी से लेवल बहुत सारी वीडियोज़ मिलती हैं एंड वीडियोज़ मिलेंगी, तो मेक श्योर कि आप लोग जितने भी लोग हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोज़ फ्यूचर में डालूँ एंड ब्लॉग्स वगैरह डालता हूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर लीजिए एंड जितने भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो वहाँ पे। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू। और एक और इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको देना चाहूँगा, आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी पब्लिक प्लेसेस में निकलो तो आप मास्क लगा के निकलो क्योंकि थर्ड वेव आ चुकी है, तो स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड लव यू, बाय बाय, टेक केयर एंड